आने वाले पर्व गणेश उत्सव को ध्यान में रखते हुए शहर की आमदार श्रीमती ज्योति कालानी ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में पहुंचे शहर के गणेश मंडल, पुलिस विभाग के अधिकारी और शहर की कई गणमान्य हस्तियां। आइए आपको भी ले चलते हैं इस बैठक की ओर और देखते हैं कौन सी तरीके की चर्चा बहस हुई इस मीटिंग में। जिस दिन हमारा आगमन, गणपति गणेश भगवान का आगमन होता है, आगमन के पहले वो समय आपने बताया कि ये समय से लेके ये समय से आएंगे तो जो हाई टेंशन वायर होगी वो आपको वो आप बंद करेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर जो रात के समय गणेश मंडल जो लाते हैं उनका क्या रास्ता निकल सकता है? रास्ता निकल सकता है कि नहीं, कि वो रात को ला ही नहीं, रात को ट्रैफिक विभाग और पुलिस जो भी वहां पे रहेगी वो आपको अलाउ भी नहीं करेंगी देर रात तक आने के लिए। या आप बोलोगे सवेरे 4 बजे मेरी गणपति आने वाली है, मुझे बुकिंग इतने बजे मिल रही है या मेरी ट्रॉली इतने बजे मिल रही है या मेरी गाड़ी इतने बजे मिल रही है, तो अभी आपके पास समय है उस चीज की आपको व्यवस्था करके रखनी है। दिन के उजाले में जो समय दिया जा रहा है शाम सुबह से शाम तक उसी में आपको अपने आर्डर आने हैं और वो समय आगमन से 1 या 2 दिन पहले का आपको मिलेगा। जैसे सब हाई टेंशन वायर और ट्रैफिक विभाग और पुलिस विभाग अपनी व्यवस्था कर पाए, इस पर गणेश मंडलों को कुछ ऐतराज है या कोई इसमें प्रश्नाएं है तो बोल सकते हैं। ट्रैफिक सूचना म्हणजे मंडळ जे आहेत ते रस्ता सोडून मंडप बांधतात, ते मंडप बांधल्यामुळे ट्रॅफिकला भरपूर अडचणी होतात, नागरिकांना अडचणी होतात, वाहन जे होतात। तसेच आपण जे आगमन आणि विसर्जन ज्यावेळेस मूर्ती घेऊन जातो तर रस्ता एकच असावा, वेगवेगळ्या मूर्त्यांचे रस्ते वेगवेगळे नसावेत, एकच असावा तो विसर्जन आणि मिरवणूक यांचा रस्त्याचा मुख्य रस्त्याचा वापर करावा। आणि सध्या गणपती बसवताना ट्रॅफिक बॅनची परवानगी घेतली जात नाही, ते पोलिसां म्हणजे पोलीस स्टेशनकडनंच ती परवानगी मिळते, पोलीस स्टेशनला वाटलं तर ते आमच्याकडनं NOC मागवतात। मागच्या मीटिंगमध्ये असं ठरलं होतं की प्रत्येक काउन्सिलर आपल्या आपल्या हद्दीमधील जे काही 25-30 फुटाचे 20 फुटाचे जे काही गणपती आपल्या हद्दीमध्ये बसतील तर आपल्या नेतृत्वाखाली किंवा आपले कार्यकर्ते असतील त्यांना कन्व्हिन्स करून सर्वात लहान गणपती या नेण्याबद्दल आपली चर्चा झाली होती। आज जे आलेले आहे आमचे सन्माननीय सदस्य आणि आजी माजी त्यांना एक पोलीस खात्याकडून आमची एक विनंती आहे, त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे आणि आमच्या म्हणण्याप्रमाणे जर लहान गणपती जर आणलं तर विसर्जन करायला अडचण जाणार नाही आणि कल्याण येथे कल्याणचेच गणपती खूप असतात आणि तिथले DCP साहेबांचं आणि आयुक्त साहेबांचं सुद्धा विनंती आहे आपल्याला की तुमची गणपती तुम्ही तिकडं हे करा। त्याच्यासाठी आपण गेल मागच्या वर्षापासून इथं घाट तयार केलेली आहे, तिथं आपण बरेच गणपती मागच्या वेळेस 150-200 गणपती आपण विसर्जित केलेले आहे। आता यावेळेस पण लिंबाळकर साहेबांनी पण स्पॉट वगैरे पाहिलेले आहेत, त्यांनी सुद्धा ते रोड वगैरे आपल्याला लाइटिंग वगैरे सगळी व्यवस्था करून देणार आहे, त्यांच्याकडूनच विसर्जन होणार आहे। या बाबतीची पण आमची मीटिंग झालेली आहे ना हाट नहीं और अच्छी चीज के लिए। हमारा NGO हर साल एक छोटी सी मुहिम लेता है गणेश उत्सव के समय, जो कि मंडल में जो भी पुष्पमालाएं जो भगवान की मूर्ति पे चढ़ाई जाती हैं तो हमारा ऐसा मानना होता है कि वो पानी में जब हम डालते हैं यही हमारी प्रैक्टिस रहती है मोस्टली कि पॉलिथिन बैग्स में वो बांध के हम लोग पानी में विसर्जन के समय वो सारे गार्लैंड्स भी डाल देते हैं, जिसका इफेक्ट ये होता है कि पानी प्रदूषित भी होता है और अल्टीमेटली वो गार्लैंड्स सड़ जाते हैं और अल्टीमेटली डंपिंग पे जाते हैं वो गार्लैंड्स। तो इसीलिए हमारे NGO की तरफ से एक छोटी सी मुहिम चलाई जाती है जिसमें इस साल हमारी मैडम भी ज्योति मैडम भी हमें बहुत अच्छा सपोर्ट करने वाली हैं कि जो भी विसर्जन घाट हैं वहाँ पर हम लोग छोटे से छोटे छोटे कंपोस्टिंग पिट्स बनाने वाले हैं, जिसमें आप सबसे यही सहयोग चाहिए हमें कि हमारे लोग आपके मंडल से आके खुद ही वो गार्लैंड्स कलेक्ट करके जाएंगे, सिर्फ आप सेपरेट करके रखिए, उसमें थर्माकोल और ऐसी चीज़ें जो कंपोस्ट नहीं हो वो मिक्स नहीं करें, आप गार्लैंड सेपरेट करके रखिए, हमारे लोग खुद ही कलेक्ट करके जाएंगे और जो भी कंपोस्टिंग पिट्स हैं
उसमें वो गार्लैंड्स डाल दिए जाएंगे और थोड़े समय के बाद उसमें से खाद निर्माण होगा जो कि हम हमारे गार्डन्स में यूज कर सकते हैं। थैंक यू। आज ये जो विषय रखा गया है अति महत्वपूर्ण विषय है। पिछले पखवाड़े उल्लासनगर महानगर पालिका में भाभी जी ने एक मीटिंग आयोजित की थी पीडब्ल्यूडी कार्यालय में, तो वहाँ पे डिसाइड किया गया था कि पहले तो गणपति की मूर्ति की जो हाइट रहेगी उसको रिस्ट्रिक्टेड रहेगी और कोशिश करके एक रास्ते पे एक अगर मंडल गणपति रखे तो ट्रैफिक में भी कंट्रोल रहेगा, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा है कि मेन रोड्स पे एक ही नियर बाय एरिया में तीन तीन चार चार मंडल लगते हैं तो उसके वजह से पार्किंग और ट्रैफिक का काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये जो मीटिंग कॉर्पोरेशन में भाभी जी ने इनिशिएटिव लिया और हमारे सब ऑफिसर्स आए थे वहाँ पे, तो हमने अपने वार्ड में अपने प्रभाग में जो भी हमारे गणेश मंडल हैं उनको हमने अपने कार्यालय में बुला के उनको ये सारी बातों पे चर्चा की और उनको राजी किया है। अभी हमारे महान पैलेस एरिया में हमारे प्रभाग में दो गणपति अलग अलग रखते थे, उनको मिला के अभी हमने एक ही कर दिया है। और हमारे नाना नानी गार्डन में दो अलग अलग नजदीक नजदीक पंडाल रखते थे और बड़ी बड़ी गणपतियाँ रखते थे, तो उन दो मंडलों को भी हमने मर्जर करवाया है अपने पास बैठा के ऑफिस में, और वो भी आपस में मिलके एक ही जगह पे गणपति स्थापित करेंगे। और खुशी की बात है कि उन्होंने बड़े दिल से माना। अभी उन्होंने 10-12 फुट की जो गणपति रखते थे बड़ी हाइट की, तो जैसे हमारी कमेटी ने डिसाइड किया तो अभी उन्होंने अपनी हाइट रिस्ट्रिक्ट की है 5-5 फीट, 5-5 फीट की गणपति उन्होंने सबने माना है। आमदार जी ने ये पहल की है, उस आमदार के नेतृत्व में हम काम करने वाले नगर सेवक हैं, हम सभी लोगों ने अपने अपने वार्डों में अपने अपने क्षेत्रों में वो काम किया है। गणपति मंडळामुळे सगळे व्यापारी त्रासलेले जातात, सगळे थकतात, मग हे जे व्यापारी आहेत यांच्यामुळे आम्ही शहरभर माणसं थकतो। आमच्या अर्जंट मीटिंग आता मला चार मरून ते यायला 20 मिनिटं लागली, मी आलो कुठून 17 सेक्शन वरून त्याला जाऊ ठरतो। आम्ही तुम्ही बोलता की 10 फुटाच्या मूर्ती बनवायची नाही, आम्हाला गणपती मंडळ ऑर्डर देतात की मूर्ती या फुटाच्या रेंजची पाहिजे, आम्ही बनवतो, धंदा आहे असा शासनाचा कुठेही जीआर नाही की 10 फुटाच्या मूर्ती बनवू नका म्हणतात का। दुसरी गोष्ट, राठोड साहेब तुम्ही जेव्हा एसला इन्चार्ज होते माझ्या माहितीप्रमाणे तुम्ही अंडरग्राउंड केबलिंगसाठी 16 करोडची योजना राबवलेली होती, पण ते 16 करोड गेले कुठे मला माहिती नाही। मग आपण MSEB जो वायरिंग मेन रस्ते जिथे अंडरग्राउंड का नाही करत, मंडळांवरती बंधन का की तुम्ही 10 फूट बसवा, 9 फूट बसवा, 5 फूट बसवा, MSEB ची वायरिंग अंडरग्राउंड का नाही मेन रोड वरची, मग त्यासाठी काहीतरी उपाययोजना करा ना, त्याची नाही होणार। तुम्ही प्रपोजल बनवा, आमचा एक आमदार आहे पण आमचा नेता सक्षम आहे, आमची सत्ता रस्त्यावर आहे, कुठून कसा फंड आणून तुम्हाला द्यायचा ते आम्ही बघू, काय करायचं काय माहिती, तुम्ही प्रपोजल बनवा, आमदार मॅडम तुम्हाला सपोर्ट करतील, बाकी आम्ही बघू काय करायचं ते। रेखा मॅडम ने निर्माल्य कलश के बारे में इस वक्त यहाँ पे कहा, हमारे केयर फाउंडेशन के मुरलीपुर स्वामी जी हैं, निर्माल्य जी ने जल बिरादरी के हैं, गोवर्धन गोड़ा जी हैं और हमारी पूरी टीम है। हम लोग रेखा मैडम में कोई आश्वासन देते हैं, वचन देते हैं कि आने वाले 11 दिनों में उनके निर्माल्य कलश की रक्षा के लिए या जमा करने के लिए जो भी उन्हें मदद लगेगी हम पूरी वाधुनी जल बिरादरी की टीम उनके लिए हाजिर रहेगी, और पुलिस प्रशासन को और आमदार महोदय को भी जो भी मदद लगेगी हमारी तरफ से छोटी सी मदद क्यों ना हो हमारे वाधुनी जल बिरादरी की टीम पूरी आपके साथ रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। हमें ये उत्सव मनाते समय पूरी श्रद्धा पूर्वक मनाना है, ये श्रद्धा की जगह इस स्पर्धा ने कब ली किसी को पता ही नहीं चला। हालांकि जो यहाँ पर आज जो चर्चा हो रही है बहुत सारे काउंटर क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन हमें सोचने की जरूरत है कि मूर्ति की हाइट क्यों बढ़ रही है। अगर किसी XYZ मंडल ने अगर 10 फुट की रखी है तो मुझे 12 फुट की रखनी है, ये हमारे बीच का एक कॉम्पिटिशन है। अगर यहाँ पर 12 फुट है तो फिर वहाँ पर 15 फुट होनी चाहिए। यहाँ का पंडाल छोटा है तो मैं उससे डिफरेंस कैसे करने का प्रयास करूँ, ये जो हमारे बीच में एक कॉम्पिटिशन क्रिएट हुआ है इसके वजह से ये सारे मुझे लगता है कि इन मीटिंग का प्रायोजन करना पड़ा है, वरना इसके पहले ये परंपरा बरसों से चली आ रही है। इसके पहले कोई ऐसे नियम नहीं थे, ना कोई ध्वनि प्रदूषण के नियम थे, ना कोई हाइट के नियम थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर प्रशासन किसी चीज़ के नियम यहाँ पर बना रहा है
तो इसके पीछे उनकी मंशा ये नहीं है कि आपको दबाना है, आपकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करनी है या फिर आपको ये उत्सव सेलिब्रेट करने से रोकना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इसको नकारात्मक दृष्टिकोण से न लेते हुए, अभी मैं पीछे बैठा हूँ, कहीं मंडल से एक निगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ लोगों की भावना शायद गलत तरीके से आहत हो रही है, लेकिन हमें सोचने की जरूरत है कि प्रशासन की मंशा आप लोगों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करना नहीं है। इस शहर की सुरक्षा और इस यहाँ पर रहने वाले जितने भी हमारे नागरिक है, जितने भी सभी वर्ग के, यहाँ पर कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, नागरिक व्यापारी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी एक शहरवासी है। शहरवासी में प्यार कैसा बढ़े और प्रशासन और जनता में तालमेल कैसा बढ़े, इसलिए ये मीटिंग है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, तो इसको कॉम्पिटिशन में न लेते हुए पूरी श्रद्धा पूर्वक हम ये मनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी हमारे ऑफिसर्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, MACB है, ट्रैफिक है, पोल्यूशन है, कॉरपोरेशन है, इन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और उससे भी ऊपर जो हमारे सभी मंडल और जो मैन्युफैक्चरर गणपति के और ट्रेडर्स, उन सभी का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम जो ये स्टेप लेने जा रहे हैं उसका इतना बड़ा असर होगा। मुझे बताते बहुत खुशी हो रही है कि पहली मीटिंग के बाद में पूरे शहर में मूवमेंट हो गई, फिर वो पॉजिटिव बहुत ज़्यादा थी, नेगेटिव कम थी, और कुछ कुछ लोगों को लग रहा था कि उन्होंने जिन्होंने बहुत बड़े गणपति का ऑर्डर दिया हुआ है या जो जिन्होंने बनाए भी हुए हैं, तो ये जो हम लोगों ने मुहिम छेड़ी है कि इको फ्रेंडली गणपति रखें, छोटे गणपति रखें, बड़े गणपति नहीं रखें, 10 फीट भी हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन डाली है, और अगले साल से जितनी कंडीशन अभी यहाँ बताई गई कि सभी की परमिशन होगी, उसके बाद में कॉरपोरेशन परमिशन देगी, तो ये सब जो हैं हम फॉलो करेंगे। और मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारे सभी उल्लासनगरवासी और मंडल जो हैं उनका नियमों का पालन करेंगे और उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो या सख्त कार्रवाई ना हो, या उनके टेलीफोन हमारे पॉलिटिशियन के पास नहीं आए कि पुलिस ने ऐसे किया या पुलिस ने वैसे किया, तो इसका फॉलोअप हम लोग अभी से करेंगे और कोशिश करेंगे कि उल्लासनगर में जो गणपति उत्सव बहुत शांतिपूर्वक और अच्छे खुशनुमा माहौल में पूरा हो। आज माननीय आमदार मैडम जी जी मीटिंग आयोजित के लिए होती, त्या मीटिंगला सर्व गणपति मंडळाचे जे सदस्य पदाधिकारी उपस्थित होते, संपूर्ण उल्लासनगर शहरातील सर्वांनी चांगला प्रतिसाद दिलेला आहे। मॅडमनी एक नवीन म्हणजे इको फ्रेंडली गणपती बाबत आवाहन केलेलं आहे आणि छोटे गणपती जास्तीत जास्त आणावेत यासाठी एक आवाहन केलेलं आहे, त्याला सर्वांनी चांगला प्रतिसाद दिलेला आहे। याचा नक्कीच सर्वांना उपयोग होईल आणि सदरचा गणपती उत्सव हा उत्साहात आणि शांततेत पार पडेल असा। तो बस ये थी हमारी क्लासिक 24 की इंस्टेंट अपडेट्स। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारी वेबसाइट classic24online.com पर कभी भी आप जा सकते हैं, या फिर हमारे YouTube चैनल क्लासिक 24 को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी WhatsApp लिस्ट में आने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9822077672 पर। हम फिर मिलेंगे आपसे क्लासिक 24 के इंस्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।